नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल की हर मुश्किल वक्त में इजराइल हमेशा साथ देता है और इजराइल ने नेपाल को 5 लाख से अधिक सिरिंज उपलब्ध कराई है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा इजराइल ने नेपाल को इतनी बड़ी मेडिकल सुविधा क्यों दी है। इजराइल सरकार ने नेपाल में टीकाकरण के प्रयासों में सहायता के लिए 5 लाख से अधिक सिरिंज भेजी है। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नेपाल सरकार को समर्थन देने के लिए पहले के योगदान के अतिरिक्त है। नेपाल में समुदाय को टीका लगाने के लिए सिरिंज का उपयोग कोविड वैक्सीन के साथ किया जाएगा। काठमांडू में इजराइल के दूतावास के एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 5,63,000 सिरिंज की खेप हवाई माल भाड़े में पहुंची है। नेपाल में इजराइल के राजदूत हनान गोदर ने स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों को सिरिंज सौंपी है। यह महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा है। इस संघर्ष में नेपाली प्रयासों के साथ सहयोग करने पर इजराइल को गर्व है। इजराइल का दूतावास हमारे दोनों देशों के बीच एकजुटता के कार्य के रूप में नेपाल के लोगों के साथ मानवीय सहायता साझा करने में प्रसन्न है। हमें विश्वास है कि यह इशारा 2022 टीकाकरण लक्ष्य को पूरा करने और महामारी को नियंत्रण में लाने में योगदान देगा। पिछले 2 वर्षों से इजराइल सरकार कोविड-19 से लड़ने के अपने प्रयास में नेपाल का समर्थन कर रही है। दूतावास ने जून 2020 में स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय को चिकित्सा आपूर्ति सौंपी थी। आपूर्ति में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सांद्रता और अन्य चिकित्सा उपकरण भी शामिल थे। इसी तरह दूतावास ने 2021 में दुलीखेल, पाटन और बीर अस्पतालों को कोविड से संबंधित चिकित्सा उपकरण और कोविड की रोकथाम सामग्री नेपाल पुलिस को सौंपी थी। और इजराइल हर मुश्किल घड़ी में नेपाल का साथ देता है। नेपाल और इजराइल एक दोस्ती की मिसाल है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुँच सके।